दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ईपीएफओ की तरफ से। ईपीएफओ ने पेंशनर्स को बड़ा झटका दिया है। दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपके लिए लाते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में पता चल सके। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। ईपीएफओ ने अपने 45 लाख ग्राहकों की न्यूनतम पेंशन को दोगुना करने की योजना फिलहाल रोक दिया है। कंपनी ने इसके पीछे फंड की कमी का हवाला दिया है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ के आंतरिक पैनल ने मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रूपए को बढ़ाकर 2000 रूपए करने की सिफारिश की थी। एक अधिकारी ने बताया कि इसे फिलहाल रोक दिया गया है। हम अभी इस योजना पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि इससे हम पर वित्तीय भार बढ़ जाएगा। जब इस प्रस्ताव को रखा गया था तभी से ही इसके फंड का मुद्दा था। इस योजना से सरकार पर 1500 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। ईपीएफओ को अपनी ओर से इस योजना के लिए सरप्लस फंड की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए श्रम मंत्रालय संबंध में सरकार से फंड का आग्रह नहीं कर सकता है। एक सूत्र ने बताया आदर्श आचार संहिता तो मार्च में प्रभावी हुई थी लेकिन ईपीएफओ ने इस संबंध में सरकार से जनवरी में ही स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आश्वासन दिया गया। सरकार ने यह नहीं बताया कि इस योजना के संबंध में पैसे दिए जाएंगे या नहीं। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ईपीएफओ की तरफ से। ईपीएफओ ने एक बार फिर से पेंशनर्स को बड़ा झटका दिया है। यहां पर उसने फंड का हवाला देते हुए कह दिया है कि 1000 रूपए से बढ़ाकर पेंशन को 2000 अभी नहीं किया जा सकता क्योंकि फंड की अभी काफी कमी है। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ईपीएफओ पेंशनर्स की मांगों को मानेगा या फिर नहीं मानेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।